नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एयरपोर्ट बांट रहे, पोर्ट दे रहे, रास्ते भी दे रहे, पानी भी, लोग आजकल पानी भी बेचने का काम उन्होंने ही कर रहे हैं। सब गरीबों के लिए कुछ नहीं, गरीब लोग जो धंधा करते हैं, खासकर माइनॉरिटी के लोग छोटे मोटे धंधे करते हैं, उनके लिए तो सब बंद हो गया। और जो नौकरियां मिलना था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, वो रिजर्वेशन के तहत मिलते थे, लेकिन वो भी ये मोदी साहब बंद कर दिए। क्योंकि अगर सरकारी नौकरियां रहे, रेलवे में रहे, पोस्ट ऑफिस में रहे, बैंकों में रहे, इंश्योरेंस में रहे, तो रिजर्वेशन मिलता है। ये रिजर्वेशन और एक शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले नौकरियां कैसा काटना, वो मोदी साहब देखकर एक एक कारखाना बंद कर रहे हैं या नहीं तो दूसरों को बेच रहे हैं। ये सही है नहीं? 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, लेकिन मोदी साहब वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे? स्कूल में है, डिफेंस में है, रेलवे में है, पुलिस में है, हर जगह नौकरी खाली है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। और ये कई छोटा मोटा एक इवेंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, वो कौन सा कि एक 10,000-5,000 लोगों को नौकरी देके, आज तक मैं देखा, मैं भी 52 साल से एमएलए एमपी मिनिस्टर रहा हूं, मैं कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा जो नौकरियां की चिट्ठी बांट रहा, जैसा ऐसा मैं बांट रहा हूं ये नौकरी। चलो आपको क्लर्क की नौकरी मिली, चलो आप, अरे ये तो डिप्टी सेक्रेटरी या क्लर्क बांटता है, भाई पोस्ट ऑफिस से जाता है, तेरी नौकरी हो गई वो, लेकिन इन लोग कर रहे हैं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट करना है, करो 30 लाख भर्ती करो और लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिलने दो। वो आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां कर रहे हैं, लोग डेली वेजेस पे कर रहे हैं। तुम्हारा तो पेट भरा, लेकिन दूसरों के पेट पे लात क्यों मार रहे भाई? और मैं और एक बात कहूंगा, लोग अब चुप बैठने वाले नहीं, कितने दिन चुप बैठेंगे? एक दिन, एक साल, 2 साल, 10 साल, 18 साल लोग ये सहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं देखता हूं ये उनकी कॉपी यहां भी हो रही है, जो मोदी करते हैं दिल्ली में और जगह, यहां पर चौहान साहब भी वही कर रहे हैं। वो चौहान साहब क्या कर रहे हैं? शिवराज साहब भी, कोई बुढ़ी दिखी तो माता को ऐसा करते हैं, कोई बच्चा मिला तो ऐसा। भाई 18 साल किधर गए थे? ये बच्चे नहीं मिले क्या आपको? ये कोई बुढ़िया नहीं मिलेगी जिसको आपकी मदद चाहिए था? कोई मां नहीं मिली क्या आपको? ये सब जो कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। आसारे 18 साल चुप घर में मजे में बैठे, और मैं ये करा, मैं वो करा, क्या करे? देश को बर्बाद करे, नोटबंदी करे, बहुत से लोगों की नौकरियां चले गई, जीएसटी लाए, छोटे मोटे व्यापारियों को बंद कर दिए, और हर जगह सबको एक रखने का छोड़ दिए, आज उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक होकर मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताओ। हाथ का चिन्ह है राइट हैंड से, हाथ हाथ का चिन्ह है
और इलेक्शन के दिन जाकर हाथ के बटन पर दबाओ, ना जात ना पात, बटन दबाओ हाथ पर, ये चिन्ह पे दबाओ, तुम्हारे किस्मत बदल जाएंगे, नहीं तो फिर हम गुलामों के जैसे रहना पड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां तो भोपाल के लोग तो होशियार है, यहां का कल्चर अच्छा है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक होकर रहते हैं। जो अमेरिका जैसा देश आजादी मिलने के बाद 200-300 साल के बाद महिलाओं को वोटिंग का पावर मिला, इंग्लैंड को महिलाओं को वोटिंग का पावर 300 साल पहले मिला, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को 50 साल पहले मिला,